देश के कई हिस्सों में भ्रूण हत्या का सिलसिला थमा नहीं है। साल 1996 का रहा जब राजस्थान के जोधपुर में राम स्नेह संत राम सुखदास की प्रेरणा से एक संगठन बना जिसे भ्रूण हत्या रोकने की जिम्मेदारी दी गई। आज ये संगठन पूरे भारत में बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का गठन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से ही किया गया था। इसका गठन 1996 में हुआ था। आज मतलब लगभग 27 साल इसको पूरे हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गर्भ में बच्चे की भ्रूण हत्या करते हैं, ये बहुत बड़ा महापाप है। और इससे क्या है कि एक जिंदा बच्चे की कोख में हत्या कर दी जाती है। इससे ये इसकी निवारण के लिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए, इसके लिए धीरे धीरे पहले राजस्थान में इसका गठन हुआ था, उसके बाद में पूरे भारत में इसका गठन हो गया और पूरे भारत के प्रतिनिधि इसमें जुड़े हुए हैं। वैभवी इस रैली में कहती है कोख में कत्ल के कारखाने पूरे देश में चल रहे हैं और उन्हें रोकने की जरूरत है ताकि भ्रूण हत्या पर लगाम लग सके। हम माँ लक्ष्मी स्कूल से आए और हम यहाँ पे बेटी बचाओ का उद्देश्य से आए। रैली का उद्देश्य हमारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है। सन्यासी कहते हैं बेटियाँ भी इस बात का संकल्प लें कि वो हमेशा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सबसे आगे रहेगी। देश में ये प्रश्न उठाया गया कि भाई इनकी रक्षा कैसे हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए था हमारे देश में। और अब है, अभी देखो रैली में है ना, तो अब अपने को सबको है ये संकल्प लेना चाहिए कि ऐसा हमारे देश में कभी भी है भ्रूण की हत्या न हो। सब ये जो लड़कियां हैं सब अपने अपने जीवन में संकल्प ले क्या कि हम ऐसा पाप है ना अपने कभी सामने खुद न खुद करेंगे तो औरों को करने देंगे। जोधपुर में भ्रूण हत्या के खिलाफ 3 दिन मंथन चल रहा है। संगठन के रामकिशोर तिवाड़ी कहते हैं ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर सोचने के लिए मजबूर करता है। भ्रूण हत्या के आंकड़ों पर गौर करें तो ये चिंता का विषय है कि आज भ्रूण हत्या के कारण इसके कितने सामाजिक दुष्परिणाम प्रचलन में आ चुके हैं जिनको आज समाज भुगत रहा है। राष्ट्र में घोर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं बड़े दुख के साथ में आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान की शुरुआत की है उसके आंशिक शुभ परिणाम अवश्य सामने आए हैं। कन्याओं का अनुपात बढ़ा है लेकिन ये सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, नारे दे रही है और दूसरी तरफ कितनी विडंबना की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गर्भपात को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल ही संसद के निर्णय से और तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी कि 24 सप्ताह तक के गर्भस्थ शिशु को बिना पिता की परमिशन के बिना पति की परमिशन के बिना लाइफ पार्टनर की सहमति के और अकेली औरत चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है और वो जाकर के भ्रूण हत्या करवा सकती है गर्भपात करवा सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसने आग में घी डालने का काम किया है। एक नए अनुसंधान के मुताबिक भारत में पिछले 30 सालों में कम से कम 40 लाख बच्चों की भ्रूण हत्या की गई है। द लेसेंट एक अंतर्राष्ट्रीय किताब है जिसमें छपे शोध में दावा किया गया है ये अनुमान ज्यादा से ज्यादा 1,20,00,000 भी हो सकता है। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के साथ किए गए इस शोध में वर्ष 1991 से 2011 तक के जनगणना आंकड़ों को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के साथ जोड़कर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। शोध में पाया गया है जिन परिवारों में पहली संतान लड़की होती है उनमें से ज्यादातर परिवार पैदा होने से पहले दूसरे बच्चे की लिंग जांच करवा लेते हैं और लड़की होने पर उसे मरवा देते हैं। लेकिन अगर पहली संतान बेटा है तो दूसरी संतान के लिंग अनुपात में गिरावट नहीं देखी गई। NBN हिंदी के लिए जोधपुर से सुनील दत्त की रिपोर्ट।